दातागंज में आज कांग्रेस नेता संजय सिंह का आगमन हुआ। उनके आने से उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव की संभावनाओं की जानकारी लेने के लिए संजय सिंह आए थे। वह नगर दातागंज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेश पाठक उर्फ गुड्डू भैया के आवास पर गए। उनके आवास पर आकर वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और 2019 में पार्टी के हाथों को मजबूत करने को कहा। वहीं उन्होंने बताया कि हम पाठक जी से व्यक्तिगत मिलने आए हैं, पार्टी की तरफ से अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। वहीं मिलने वालों में राकेश वर्मा, मुशर्रफ, मनोज सभासद, राकेश शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और राहुल गांधी आज भी उन्हीं वैल्यूज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज आने वाले टाइम में जो 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये कहा जाता है कि 19 के चुनाव का ये सेमीफाइनल है और हमें लगता है 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी और आने वाले 19 के चुनाव में मोदी सरकार जाएगी और कांग्रेस सरकार में आएगी। सर, 2019 के चुनाव का जो गठबंधन है उसके लिए क्या कहेंगे आप? गठबंधन में सीधा कांग्रेस ने राहुल ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को मोदी को हटाना चाहता है वो सब हमारे साथ आएंगे और हमें विश्वास है कि जो कोई अपनी चोरी चकारी में मोदी से डरा नहीं है वो सारे लोग कांग्रेस के साथ आएंगे और विपक्ष का मैक्सिमम हिस्सा हमारे साथ होगा और 19 में वही विपक्ष जो जुड़ा हुआ विपक्ष है वो मोदी सरकार को बाहर करेगा। जैसा कि सर छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव चल रहा है उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है? मैंने आपसे पहले ही बताया कि 5 राज्यों में हमारी जो जानकारी है उसके आधार पर 5 जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम, हर जगह।